भूत। इसको मैं थोड़ा सा, क्या है मम्मी? आई पैक। आई आखी, आखी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साक्षी शर्मा है और आज की हमारी वीडियो है पैम्परिंग सेशन ऑफ मेरा। नहीं, आज मैं अपना नहीं करूँगी, आज मैं अपनी मम्मी का पैम्परिंग करूँगी। मेरा आज डे ऑफ है और मैंने सोचा क्यों ना, हमेशा मैं अपना स्किन केयर करती हूँ डेली डेली डेली, तो आज मैं अपनी मम्मी का स्किन केयर करूँ, जो कि अभी इस टाइम दूसरे रूम में आराम से लेट के ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं। तो आज हम उनको ब्रेक देंगे, आज मेरी छुट्टी है, तो आज हम अपनी मम्मी का आराम से मैं फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग सब करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो है मैं सबसे पहले अपनी मम्मी की आईब्रोज़ को शेप करूँगी। आईब्रोज़ को शेप करने के लिए मैंने ये जो है थ्रेडिंग वाला धागा ले लिया है, और इससे मैं जो है सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है आईब्रोज़ की वो सारी जो है निकाल दूँगी और एक परफेक्ट सी प्यारी सी राउंड शेप मम्मी की आईब्रोज़ को दूँगी। तो ये मैंने आईब्रोज़ बनाना जो है खुद जो है प्रोफेशनली नहीं सीखा है, खुद से ही सीखा है। जब भी मैं पार्लर में जाती थी अपनी आईब्रोज बनवाने के लिए, तो उन लोगों को ही देख देख के मेरे को जो है आईब्रो बनाना आ गया। घर पे आके मैं धागे से प्रैक्टिस करती थी तो मेरे को जो है अच्छे से धागा चलाना जो है आ गया। अब मैं खुद की आईब्रोज़ और मम्मी की आईब्रोज़ जो है हम घर पे ही कर लेते हैं, हम इसके लिए पार्लर में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। इसके बाद अपर लिप्स करेंगे। अपर लिप्स में काफ़ी पेन होता है मेरे को भी, मम्मी को भी, हम दोनों को। तो अच्छे से पाउडर लगाया है मैंने मम्मी के अपर लिप्स पे और अब आराम आराम से जो है मैं मम्मी के अपर लिप्स कर रही हूँ। इसके बाद फेशियल की बारी है। फेशियल के लिए मैंने ये ओथ्री का फेशियल किट ले लिया है। इसमें जो है 6 स्टेप्स हैं और ये मेरी फेवरेट फेशियल किट है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और इससे सारी टैनिंग रिमूव हो जाती है और अच्छा ग्लो मेरे फेस पे मिलता है। तो सबसे पहले ये मैंने क्लेंज़र लिया है, इसको मैं मम्मी के पूरे फेस पे जो है लगाऊंगी अच्छे से, नेक पे, फोरहेड पे, चीक पे, और इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए पूरे फेस पे अच्छे से मसाज वगैरह करूँगी ताकि सारी डस्ट, इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब जो है फेस से रिमूव हो जाए और काफ़ी अच्छा हमें जो है रिज़ल्ट मिले। तो इस फेशियल किट में जो है 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लेंज़र है, उसके बाद जो है ब्लीच है, ब्लीच के बाद एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर के बाद जो है हमारा फेस क्रीम है, और फेस क्रीम के बाद लास्ट में जो है फेस मास्क है। तो मैंने ये सारे फेशियल के स्टेप्स जो है मम्मी के फेस पे बारी बारी करके कर लिए हैं और आप भी देख सकते हैं कि मम्मी को कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, मम्मी कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हैं और ऐसा लग रहा है मेरे को कि मम्मी तो सो ही गई है। तो इसके बाद जो है अब सारा मैंने ये वाइप कर दिया है और लास्ट में मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ। 10 मिनट के बाद जो है इसे मैं अब वॉश कर लूँगी। अब ये मेरा स्विस ब्यूटी का आई पैच है। आई पैच पता है मम्मी आपको क्या होता है? नहीं, मेरे को नहीं पता। शायद डार्क सर्कल को कम करने के लिए लगाते होंगे कि होता क्या है? लिया है। नहीं, होता क्या है वो नहीं पता। अभी कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें पता होगा। पहले इसको मैं थोड़ा सा, क्या है मम्मी? आई पैक। आई आखी, आखी। क्या करेगा और ये बताओ? ठंडक देगा। हाँ, ये अभी मैं अपनी मम्मी के दूसरी आईज पे लगाऊंगी। खोलो आपने। डन। क्या करवा रही है मेरे से भगवान जाने इस लड़की का। अब ये नेक्स्ट समझ नहीं आ रही है। टोनी टोनी मोनिका फेशियल मास्क। कुछ ना कुछ लगी रहेगी। अरे ये फट नहीं रहा। अच्छा सॉरी, उल्टा खा गया। डरोगे तो नहीं इसको देख के? पता नहीं क्या है वो, मुंह इट्ठा थाप लेना होगा पूरे का पूरा, वो चेहरा सा थाप देती है अपने मुंह पे। वो माँ बनी है आज तेरे लिए, तेरा मॉडल का मॉडल। हाँ।
आपकी पैम्परिंग कर रही हूँ मैं, स्किन केयर पैम्परिंग। भूत। ओके okay? एक बार दिखाओ कैसे लग रहे, कैसा लग रहा है आपको? पूरा ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन भूत बैठ गया मेरे मुंह के आगे बैठ के। तो अब जो है मैं मम्मी के हाथों का मैनीक्योर करूँगी। मैनीक्योर के लिए मैंने बाउल में क्लेंज़र डाल के मम्मी के हाथों को डिप कर दिया है और अब मैं अपने मम्मी के हाथों को क्लेंज कर रही हूँ। क्लेंज करने के बाद अभी मैंने स्क्रब ले लिया है और मैं मम्मी के हाथों को स्क्रब करूँगी। मेरी ये मैनीक्योर किट भी 5 स्टेप्स वाली मैनीक्योर किट है। इसमें सबसे पहले क्लेंज़र है, देन हैंड स्क्रब है, देन क्यूटिकल ऑयल है, देन हैंड क्रीम है और उसके बाद हैंड मास्क है। ये सारे टैनिंग वगैरह को रिमूव कर देता है और अब मेरे मम्मी के हाथ भी जो है वो अच्छे से चमक गए हैं। ये रहा मेरे मम्मी के हाथ, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम, ठीक है, पूरा पेडिक्योर मैनीक्योर करवाने के बाद। और ये रहे मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी के फेस पे ग्लो आफ्टर फेशियल शीट मास्क। मजा आया? और ये रही मेरी आईब्रो की बढ़िया सी परफेक्ट शेप। ओहो हो कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मस्त वाला, मजा रिलैक्सिंग, मजा है, बिल्कुल बढ़िया। देखो 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 मजा आया। बाय कर दूं। बाय।